तेल बेचने में भारत ने सऊदी को भी पीछे छोड़ा। यूरोप को रोजाना 5 करोड़ लीटर ऑयल बेचा, साल भर में कैसे हुआ फेरबदल, चलिए जानते हैं। रूस यूक्रेन जंग के बाद दुनिया में भारत का किरदार बदल गया है। 2022 में चीन के बाद भारत ऑयल खरीदने के मामले में दूसरे नंबर पर था। अब एक साल बाद यूरोप को ऑयल बेचने के मामले में भारत ने सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है। भारत रोजाना 3.5 लाख बैरल यानी करीब 5.5 करोड़ लीटर ऑयल यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहा है। सवाल ये उठता है कि भारत इतना तेल लाता कहां? भारत अपनी जरूरत का 60% क्रूड ऑयल अरब से ही खरीदता है। 24 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन के बीच जंग हुई, इसके चलते मार्च 2022 में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर प्रति बैरल $140 पर पहुंच गई। तब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत कम करने के लिए अमेरिका ने अपना क्रूड खजाना खोलने का ऐलान कर दिया। उस वक्त भारत अपनी जरूरत का 60% क्रूड ऑयल खाड़ी देशों से खरीदता था और कच्चा तेल 2% रूस से आता था। दोस्तों बता दें कि मार्च 2022 में अमेरिका यूरोप ने रूस से ऑयल खरीदने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन भारत ने इन प्रतिबंधों पर ध्यान नहीं दिया। अप्रैल 2022 से भारत ने रूस से 18,000 करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल खरीदा, जबकि शुरुआती 6 महीनों में भारत ने रूस से 89 करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल खरीद लिया था। भारत रूस से ऑयल नहीं खरीद पाया, इसके लिए अमेरिका यूरोपीय देशों ने दबाव बनाया। तो दोस्तों बता दें आपको कि रूस पर लगाई गई पाबंदियों की वजह से यूरोपीय देशों ने उससे भी ऑयल खरीदना बंद कर दिया। कुल मिलाकर इस दौरान सऊदी अरब ने जितना क्रूड ऑयल यूरोप को भेजा है, उससे ज्यादा रिफाइंड ऑयल यूरोप को भारत ने भेजा है। तो इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।